नमस्कार, जनपद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। एक ओर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण बिहार के तमाम जिले सूखे की चपेट में हैं। इसको लेकर सासाराम में सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान किसानों को हर संभव सहायता पहुँचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। डॉक्टर प्रेम कुमार रोहतास के प्रभारी मंत्री भी हैं। समाहरणालय के DRDA सभागार में आयोजित इस बैठक में कई विधायक भी मौजूद हुए। इसके अलावा कृषि विभाग के सचिव विनय कुमार ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रोहतास जिले में अल्प वर्षा ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। नहरी क्षेत्र में तो धान की रोपाई हो रही है, लेकिन असिंचित क्षेत्रों में धान की रोपाई पूरी तरह से ठप है। स्थिति ये हो गई है कि जिले में अब तक 60% भी धान की रोपाई नहीं हो पाई है। नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की समस्या बढ़ गई है। तौर से सुखाड़ जो पीड़ित लोग हैं, उनके बड़े पैमाने पर उनके किसानों को डीजल अनुदान से लेकर उनके जमीन का जिनका फसल मरेगा उस सारे अनुदानों पर सरकार गंभीर है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इतनी संवेदनशील है कि सारे सवालों पर गंभीरता से लेती है। और हमें ऐसा ही पूर्ण विश्वास है कि दक्षिणी बिहार के किसानों को न्याय मिलेगा और इनके जीने का रास्ता प्रशस्त होगा। सुखाड़ के मार इनको झेलना नहीं पड़ेगा, इनसे उबारने का काम करेगी सरकार। पानी के स्थिति एकदम जर्जर बा, कहीं पानी नहीं के मैं रोप सुखा रहल बा। रोपे की स्थिति में नहीं खन किसान, कितना किसान छोड़ देले बड़न। ऐसे ही खेत मैं सुखा था, नहर जोते लायक बा, पानी न बा कि ट्रैक्टर चलो, सगरो सुखार बा। गरीब आदमी मर रहल बा पानी खातिर, पानी के बहुत काफी किल्लत बा। न भगवान बरसतान, एक बार बरस दहलन ओकरा बाद बुझा था कि अकाल के घोषित करे के बा। अकाल एकदम परीक्षा छठवा अकाल के स्थिति बा। पुरान लोग कहलन जे कि 66 के अकाल यही आधार पर रहे, पहले बारिश भइल ओकरा बाद न पानी भइल न कुछ, ऐसा ही स्थिति रहे 66 के अकाल में, आज भी वैसा स्थिति बा। नहर का अभियान शुरू हो गया और से आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और तीसरा जो है सुखाड़ से निपटने के लिए हम लोगों ने आपकी फसल जो है हमारी और उसमें हम किसान भाइयों को जो कि 15 अगस्त तक देख रहे हैं जो पुलिस पता लगे किसानों को खाली नहीं रहे, हम शुभ बीज देंगे। बीज हमारे पास है तोरिया है, अरहर है, मक्का, फिर भिंडी का, पालक का, सब्जी का भी बीज है, शुभ भोगा जा सकते हैं। किसानों को फिर खाली नहीं रहे हैं, तो सरकार का प्रयास लगा हुआ है और उसके अलावा जिस फाल को स्थिति पर होती है पिछले वर्ष देश मजबूत सरकार कृषि रूप के माध्यम से किसान भाइयों को सहायता। अलीगढ़ के GT रोड स्थित सूर्या हॉस्पिटल में इलाज कराने गई एक महिला की नसबंदी कर दी गई, जिसकी शिकायत DM चंद्रभूषण से की गई तो वो हैरान रह गए। DM ने तत्काल CMO के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आलमपुर से सियानी निवासी एक महिला जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के पास पहुंची। यहां इसकी शिकायत पत्र में उसने बताया कि उसके 2 बच्चे बेटा और बेटी हैं, पिछले दिनों गांव की आशा के साथ सूर्या हॉस्पिटल में पेट के दर्द का इलाज कराने गई थी। उसका आरोप है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे बेहोश करके बिना सहमति के नसबंदी कर दी। बड़ी का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन किस चीज का हुआ है? बच्चा बंद करने नसबंदी कर दी है उसने मेरी। ये बात कैसे पता पड़ी? ये मैंने मेडिकल सरकारी मेडिकल में अल्ट्रासाउंड करवाया। अच्छा, तब बताया उन्होंने। क्या? मेरे पेट में दर्द होने लगा थोड़ा थोड़ा, मेरे गैर दवाइयाँ बच्चा नहीं होते हैं, तो मैं अपने पति से बोली कि ऐसा है आशा से कह दो मूलचंद, तो उनने मैंने कि टीका लगा देंगे और मुझे परेशानी का हल बता देंगे। तो बोली कि कल चलना मेरे साथ और मैं तेरा चेकअप करा दूंगी और टीका लगवा लाऊंगी। नहीं, आलमपुर से आनी है। तो ले गई वो? सूर्या मेडिकल में आशा ले गई थी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको ले गई? हाँ, वहाँ पर बोली है कि यहाँ कागज पर साइन कर दें और क्या कहते हैं अंदर चल लेट बेड पर और चेकअप करने चल। अब मुझे क्या पता वो है बिमला हमारे पास संदर्भित किया था और उसमें ये आया था कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसकी नसबंदी कर दी गई, तो उसको लेकर के कमेटी हमने बनाई जिसमें CMO है, ACM सेकंड है, जीटी जिला प्रोफेशनल अधिकारी है और ये इस मामले में पूरी प्रोग्राम की जांच करेंगे, जांच करके रिपोर्ट देंगे। अगर इसमें किसी की लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होगी तो उसको काम देंगे। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में इमरान नाम के युवक ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया। महिला 7 वर्ष पुत्र के साथ कोतवाली पहुंची।
महिला ने एसडीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसडीएम के आदेश पर ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि तलाक देने की वजह दहेज में 5 लाख रुपए नहीं लाना है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लोगों ने मुझे घर से निकाला, 5 लाख रुपए दहेज के लिए मांग रहे थे, मैंने उनको नहीं दिए, इसलिए उन्होंने पूरे गांव वालों के सामने बाहर रोड पे मुझे 3 तलाक दे के घर से निकाला। कार्रवाई करना चाहती हूँ। जब मोदी जी ने कह रखा है कि तलाक नहीं होती, फिर मुझे कैसे तलाक दे सकते हैं? आपका बच्चा भी है? जी हाँ, बच्चा भी है। मैं बताइए क्या करूँगी। कितने दिनों का है ये? 7 महीने का। क्या नाम है इसका? ईरान नाम है। ठीक, तो अभी ये आपके जो ससुराल वाले हैं तो आपको क्या दहेज लिए प्रताड़ित करते थे? जी हाँ, खास तौर से मेरे जेठ विवेक और भूरर याद अहमद खान मामूदाद भाई हैं उनके, फरज वो भी मामूदाद भाई हैं, ये लोग मुझे रात दिन परेशान करते हैं। मैं अपने खाला के जाती हूँ, रास्ते में मारते, गाली बकते, बदतमीजी करते, मुझे मार जान से मारने की धमकी देते। कल को मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो लोग होंगे। यूपी के रामपुर में आज अब्दुल्ला आजम खान ने मीडिया से वार्ता की। इस दौरान आजम ने लखनऊ से जांच कराने आई टीम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जांच के नाम पर कार्रवाई कर परेशान कर रही है, जबकि कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि 6 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बाद भी शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने पर तुली है। हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि रामपुर का प्रशासन गलत कार्रवाई करने पर उतारू है। सरकार नहीं चाहती कि ये शिक्षा का मंदिर बाकी रहे। सरकार नहीं चाहती कि वो बच्चे जो कम फीस पर अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं वो यहाँ से तालीम हासिल करके यहाँ से पढ़कर बाहर निकले, डॉक्टर इंजीनियर बने, इस देश का मुस्तकबिल बने और अपना मुस्तकबिल बनाए। सरकार का यही मंशा है कि ये बच्चे या इनका गुजरा हुआ कल या इनका माजी जैसा था वैसा ही रहे, इनके हाथ में कलम ना आ जाए। क्योंकि अगर इनके हाथ में कलम आ गया तो ये उन कुर्सियों पर जाके बैठ जाएंगे जहाँ से फिर कमज़ोरों के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत सी विचारधाराओं के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज भी जो कमेटी आई, 2 बार कमेटी आई और कोई कमेटी नहीं थी, सरकार की साजिश थी और हाई कोर्ट के निर्देश की अवमानना थी। हाई कोर्ट का निर्देश है कि 6 तारीख जब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके का कोई एक्शन पुलिस या प्रशासन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब उस दिन मामले को नहीं सुन पाए थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं 6 को आराम से सुनूंगा पूरी बात आपकी, लेकिन तब तक कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। पुलिस का आना, पुलिस की गाड़ी का आना, वो पूरा सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल में उसका फुटेज है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिश ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है और ठान लिया है कि न्याय नाम की कोई चीज़ इस प्रदेश में बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि सरकार खुद ही FIR लिख रही है, खुद ही इंसाफ कर रही है और खुद ही फर्जी एनकाउंटरों के नाम पर इंसाफ भी कर रही है। तो सरकार ने साफ तौर पर अदालत को चुनौती दी है, प्रशासन ने, कि आप कितने ही आदेश पास करते रहिए, हम वही करेंगे जो हमें करना। पुलिस आई एक बार, अगर सिर्फ मेडिकल की टीम आई थी तो वो मेडिकल कॉलेज जाती, उसका म्यूजियम जाने का क्या मतलब था, उसका स्टाफ क्वार्टर्स जाने का क्या मतलब था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाने का क्या मतलब था, रजिस्ट्रार ऑफिस जाने का और दूसरी फैकल्टीज़ में जाने का क्या मतलब था। पुलिस प्रशासन सिर्फ एक जांच कमेटी की ढाल बनाकर तीसरी और चौथी बार यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ और वही सब करके गया जो गुजरा उन्होंने 2 बार पहले किया है, जो लूट की है, जो किताबों की लूट की है, जो ज़कात के पैसे की लूट की है। ये तमाम वही साजिश की कड़ियां हैं और मैं चाहूँगा
कि पूरे प्रदेश और देश में कहीं कानून नाम की चीज नहीं बची। मैं अपील करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय से कि अब आम शहरियों को, लोगों को, शिक्षाविदों को, तालीमी इदारों को और ख़ास तौर पर बच्चों की सबकी निगाहें बस आपकी तरफ है कि कोई जब इंसाफ नहीं कर रहा तो सिर्फ उनकी बस यही उम्मीद है कि आप उनके साथ इंसाफ करेंगे और सरकार जो इस तालीमी इदारे को साजिशन ख़त्म कर देना चाहती है उनकी इस मंसूबे पर रोक भी लगाएंगे और जो अधिकारी इस मंसूबे के साथ आए हैं उनके खिलाफ़ भी अदालत की अवमानना में कार्रवाई करेंगे। जांच टीम आई, चली गई, फिर एसपी और डीएम से मिली और फिर दोबारा आई। इसका मतलब सब साफ जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है और कौन कर रहा है। मेरी अपील है अदालत से, माननीय उच्च न्यायालय से, कि ये मामला शिक्षा का भी है और इंसाफ के और अदालतों के वक़ार का भी है। आप कोई ऐसा फैसला दीजिए, एक ऐसा फैसला कि आने वाले कल शिक्षण संस्थानों पर निगाहें उठाने वाले ऐसे लोग जो लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं उनके लिए एक मिसाल हो जाए और आइंदा से कोई और इंसान शिक्षण संस्थानों के खिलाफ साजिश करने से पहले सोचे। खास खबर में बस इतना ही, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।